नमस्कार डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। आज हम आ पहुँचे हैं यहाँ पर कुर्ला पश्चिम में ठाकुर धाम सोसाइटी हरिनिवास मंडल, यहाँ पर हम आ पहुँचे हैं। आइए हम बातचीत करते हैं यहाँ पर सोसाइटी के मेंबर्स से। इनकी जो ये नवरात्रि है, किस तरह की इनके नवरात्रि की कितने सालों से मनाते हैं, क्या कुछ है, कितने सालों से आप लोग नवरात्रि? ये 23rd ईयर है हमारा नवरात्रि का जी। और हमारे यहाँ अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। क्या कुछ खास कार्यक्रम होता है? कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह होता है, हवन होता है, भंडारा होता है माता जी का। हर कास्ट के लोग आते हैं यहाँ पर, पूजा पाठ करते हैं, भाग लेते हैं इसमें, और भंडारा वगैरह में फिर खा पी के जाते हैं। मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं यहाँ पर? स्पोर्ट्स वगैरह रहता है बच्चों के लिए, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन रहता है, डांस कॉम्पिटिशन रहता है, और उसके बाद फिर अलग अलग और कार्यक्रम रहते हैं, गेम्स होता है यहाँ पर आयोजित किया जाता है। गरबा भी होता है, लेडीज वगैरह लोग रहते हैं तो गरबा वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। और 9 दिन बड़ा अच्छा सबके लिए होता है? नहीं नहीं, लेडीज जेंट्स सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सब खेलते हैं। हाँ, इसमें सभी लोग सब खेलते हैं। डीजे भी होता है, माता की चौकी भी होती है, और सबका हाँ होता है, वो भी होता है, और सबका मनोरंजन का ध्यान रख के हम सबका 9 दिन पूरा हमारा कार्यक्रम होता है। पहले दिन से लेके 10वें दिन या 9वें दिन तक सबके अंदर पूरा उत्साह होता है, और सब मिलजुल के इतना अच्छे से करते हैं कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, इतने अच्छे से होता है। मतलब इस दिन हमको जो भी काम होता है हम सब खुशी से कर लेते हैं। 9 दिन 10 दिन हमारे कैसे बीत जाते हैं हंसी खुशी में पता ही नहीं चलता है। माता की सेवा में बड़ा अच्छा माता वातावरण रहता है, माहौल रहता है, खुशी से सारा कार्यक्रम बीत जाता है। ये 23वां साल है, ऊपर वाले की दया से सब बढ़िया से हर साल बीत जाता है हमारा। अच्छा, आप बताइए कि आज के दिन 9वें दिन है, तो आज के दिन क्या क्या खास प्रोग्राम यहाँ पर? आज हवन है और रात में भंडारा होगा। आज माता की हम पूजा कर रहे हैं, हवन है, उसके बाद भंडारा होगा, फिर उसके बाद गरबा होगा। हाँ, कल होगा विसर्जन, पहले डीजे नाश्ता वो सब होगा, गाते बजाते ले जाएंगे। ये कोरोना के पूरे 2 साल बाद का ये साल का जो पहली नवरात्रि है उसके बारे में बताइए कि क्या खास है इस साल? थोड़ा हमें खुलने मिला है, सब कुछ ओपन अप हुआ, डर का माहौल नहीं है, डर का माहौल। हाँ, तो आज ओपन अप हुआ है, आज सब मिलने आए, सब अच्छे से मिलजुल रहे हैं, और ये साल अच्छा जा रहा है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोरोना कभी वापस ना आए, क्योंकि इतनी बुरी परिस्थिति कर दी थी कि हम अपनों से ही नहीं मिल पा रहे थे, और इस चीज़ को जो मनाने के लिए हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं वो ऐसे ही चला जाता, और ये 10 दिन तो ऐसा लगता है जैसे एक दिन में चला गया है। तो ये दिन अच्छे दिन फटाफट आए और बुरे दिन कभी ना आए, बस। माता रानी से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे कोरोना वगैरह के लिए कि वापस आए? माता रानी से ये रहेगा सबको कि सबको सुखी रखे, सबको किसी को दुखी नहीं रखे, सबको मिले, पूरे वर्ल्ड में हर जगह सुख रहे, शांति रहे, भाईचारा रहे आपस में, और इसी तरह से जिंदगी बीतती रहे। जयकारा लगा दीजिए। जयकारा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो सुना आपने, हमने यहाँ पर बातचीत की ठाकुर धाम हरिनिवास मंडल से, यहाँ के सोसाइटी के मेंबर्स यहाँ से हमसे बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने क्या कुछ खास बताया यहाँ की नवरात्रि के बारे में। कैमरामैन FS पटेल के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।